अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 8 है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रॉब्लम नंबर 59 है। वो कहता है एक स्टोन है जिसका वजन 5.29 न्यूटन है, लॉन्च वर्टिकली अप किया गया ग्राउंड से, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ड्रैग उस पर इतने की लग रही है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, स्पीड जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। दो बातें बतानी है एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से लेके चलेंगे। अब उसे लॉन्च किया गया फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से किया गया है तो इब्तदाई पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, इब्तदाई तौर पे सिर्फ कनेटिक एनर्जी होगी। अब वो हाइट पे जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगी MGH, जिसे आप WH लिख सकते हैं। फिर फाइनली उसने वो टॉप पे जाकर रुकना है तो फाइनल कनेटिक जीरो हो जाएगी, आपकी थर्मल एनर्जी FH आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए। तो हाइट मैंने रेड कलर में हाइट कर दी, बाकी आप कॉमन ले लेंगे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास, हमारे पास एम जो है वो तो नहीं दिया हुआ, हमें तो वेट दिया हुआ है, तो एम की जगह डब्ल्यू बटा जी कर देंगे, फिर डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे, वो कट जाएगा, तो ये टूल बच जाएगा आपके पास। अब आपको इब्तदाई वेलोसिटी पता है, अब आपको एयर ड्रैग पता है, वेट पता है, सारी चीजें पता है, वो वैल्यू डालेंगे 19.4 मीटर आ जाएगा, यानी इतनी हाइट तक वो स्टोन जाएगा। फिर अगली चीज क्या है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, अब आपके पास हम फिर एनर्जी कंजर्वेशन ले लेंगे, जमीन से फेंका है तो इब्तदाई पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, वापस जमीन पे आएगा फिर पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, इब्तदाई कनेटिक होगी और आपके पास वापसी पे भी कनेटिक होगी। थर्मल हम 2FH लेंगे क्योंकि आपके पास जाते वक्त भी हवा से अपोज करेगी, वापसी पे भी अपोज करेगी, तो डबल हो जाएगी आपके पास, तो 2FH मैंने लगा दिया, एक दफा जाने का एक दफा आने का, तो ये 2 टाइम मैंने कंसिडर कर लिया। अब आपके पास क्या जी, इब्तदाई एच आपको पता है कितना है, एच आपने निकाला हुआ है, तो इस जगह एच की वैल्यू प्लेस की जा सकती है, ये दूसरी तरफ मैंने ले जाके सब्ट्रैक्शन कर दी है। अब 1/2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कट जाएगा, इधर से एम कॉमन ले लेंगे, एम दूसरी तरफ चला जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास, एम जी 2 कट गया, एम नीचे आ गया, एम जी, एम जी वेट है तो हम वेट के तौर पर से लिख लेंगे। अब क्या जनाब, ये वेट है तो इसको अंदर तरफ दे देंगे तो डब्ल्यू प्लस एफ हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि जी वी आई कॉमन ले लिया, 1 - 2F ओवर दिस वन आ जाएगा, इसके साथ ही अब हमने क्या करना है, इसमें से जब सॉल्व करेंगे तो W माइनस एस डब्ल्यू एफ आ जाएगा, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, V चाहिए, तो दोनों तरफ का स्केयर रूट डाल देंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको वी आई भी पता है, W भी पता है, F भी पता है, तो ये सारे को सॉल्व करेंगे 19 मीटर पर सेकेंड इसका जवाब आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।